ये क्या हरकत थी? दोस्त और दोस्ती को इतना भी जलील मत करो कि दुनिया का इन शब्दों से विश्वास ही उठ जाए। बड़ा गुरूर है ना अपनी मर्दानगी पर, हमेशा कहते रहते हो मर्द ऐसे होते हैं, मर्द वैसे होते हैं। पीठ पीछे वार करने वाले मर्द नहीं होते इकबाल खान, सीने पर वार करते तो दुश्मन होने के बावजूद तुम्हारी इज्जत करते, पर तुमने तो दोस्त बनकर पीठ पीछे झूला घोपा है। हमारा राज खुल गया और हमें खबर तक नहीं लगी, और हम ऐसे ही दोस्ती का नाटक किए जा रहे हैं। तुझे और तेरे शौहर को दोस्त कहना जहर पीने से भी ज्यादा मुश्किल था, पर फिर भी अपने इंतकाम के लिए हमने ये जहर पिया। क्या हुआ एमएलए साहिबा, क्या हमने आपका दिल तोड़ दिया? रानी गायत्री राजबीर सिंह का दिल तोड़ पाओ, इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। जितनी तेज तुम्हारी ये जुबान चलती उतनी तेज अगर तुम्हारी अक्ल चली होती तो हमें कब का पहचान चुकी होती, हमसे कोई गलती हुई होगी। लाइसेंस के लिए राजा ने हमारी मोहर चुराई और हमारे फर्जी दस्तखत भी किए थे। क्या राजा साहब ने अग्रवाल के साथ जूस फैक्ट्री खोलने के लिए आपके फर्जी दस्तखत किए? उस वक्त तो हमने ध्यान नहीं दिया, पर बाद में हमें ख्याल आया जूस फैक्ट्री की सारी डिटेल्स हमारे और हमारे राजा के अलावा किसी को नहीं पता। हमारा शक गया तुम पर इत्तेफाक से हमें हमारी मरी हुई बहन नुसरत आप्पा दिखाई थी। भेड़ का पीछा करते करते हम भेड़िया तक पहुंच गए। फिर तो तुम्हें हमारी कहानी भी पता चल गई होगी कि कैसे तुम्हारे राजा ने हमारी जायरा का खून किया। जायरा को मारना उसके लिए सिर्फ एक खेल था, एक शर्त थी। तुम्हारे उस राजा के हाथ हमारे जायरा के खून से रंगे हुए हैं। ये सब झूठे इल्जाम है, तुम्हारी बनी हुई कहानियां हैं। हमारे पास सबूत है कि उस रात कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। क्या सबूत है? ये लोग उस रात राजा के साथ थे और इनकी कहानी आपकी कहानी से बहुत अलग है। बोलो क्या झूठ बोलने आए हो तुम? झूठ तो आप बोल रहे हैं नवाब साहब, उस रात कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था और ना ही कोई लड़की मरी थी। हाँ राजा ने शराब जरूर पी थी, लेकिन हमारी गाड़ी एक पेड़ से टकराई थी और उसकी हेडलाइट भी टूटी थी, बस यही। नवाब साहब इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ये सबूत है तुम्हारा? ये राजा के चमचों से बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं? इन दोनों ने देवी माँ की कसम खाई है, ये दोनों झूठ नहीं बोल रहे, ना ही किसी को बचा रहे हैं। हम तुम्हें आखिरी मौका दे रहे हैं इकबाल, अगर राजा से दुश्मनी तुम्हारी कोई गलत फहमी है तो उस गलत फहमी को खत्म कर दो, अग्रवाल को कानून के हवाले कर दो और राजा को आजाद करवाओ, और हमेशा हमेशा के लिए आमेर कोर्ट छोड़कर चले जाओ। 40 लोगों की मौत के इल्जाम में तुम्हारा पति जेल में है, तुम्हारी यहाँ कोई इज्जत नहीं करता? 2 कोड़ी की इज्जत नहीं है तुम्हारी इस शहर में और तुम हमें धमकी दे रही हो? हमें नवाब इकबाल खान को धमकी देने की औकात नहीं है तुम्हारी रानी? तुम भीख मांगती, रोती, गिड़गिड़ाती तब भी हम सोचते, लेकिन तुम तो हमको धमकी दे रही हो, हमको इनके दम पर। अगर ये लोग वहां पे मौजूद थे तो ये भी गुनहगार हैं, इन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। पहुंचने के लिए तुम्हें हमसे टकराना होगा। दिन के तूफानों के रास्ते में नहीं आते, तुम जैसी मामूली औरत हमारे रास्ते में क्या होगी? तुम अभी हमें जानती नहीं हो। हम तुम्हें अच्छे से जानते और अच्छे से पहचानते भी हैं इकबाल। तुम वो मर्द हो जो एक औरत को कमजोर समझता है लेकिन फिर भी एक औरत पर छुप कर वार करता है, खुले मैदान में सामना करने से डरता है। तुम वो हो जो हमें और हमारे राजा को एक ऐसे गुनाह की सजा दे रहे हो जो राजा ने किया तक नहीं है। उसने वो गुनाह किया है और उसकी सजा हम उसे दे के रहेंगे।
हमने उसकी खुशियाँ छीनी है, कानून उसकी सांसें छीन लेगा। अगर तुम्हें लगता है तुम एक सुहागन से उसका सुहाग छीन सकते हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं देखा हमने। हमें कसम अपने मंगलसूत्र की, मांग में भरे हुए सिंदूर की और सुहाग की हर एक निशानी की कि हम अपने सुहाग की रक्षा जरूर करेंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें हराओगी? अगर सुहागन अपने पर आए तो यमराज को भी हरा सकती है, तुम तो फिर भी हार्ड मास के बने इंसान हो। कहानियों की बातें कहानियों में रहने दो रानी, असल जिंदगी में चूड़ियां पहन के जंग नहीं जीती जा सकती। रही बात तुम्हारी इन सुहाग की निशानियों की, तो इन्हें तुम्हें एक एक करके छीनूंगा तुमसे। हम इतने कमजोर भी नहीं है कि अपने सुहाग की रक्षा ना कर पाए। हम जानते हैं नुसरत जिंदा है, हम जानते हैं अग्रवाल कहाँ है, और जब सामने वाले के सारे पत्ते पता हो ना तो बाजी पलटते देर नहीं लगती। तुम देखते जाओ हम तुम्हारी बाजी कैसे पलटते हैं। जल्दी राजा हमारे साथ होगा, तुम सलाखों के पीछे। हमें तुम्हारा चैलेंज मंजूर है, पर जाने से पहले हमारा भी चैलेंज सुनती जाओ। ना हम तुम्हारे उस कातिल शौहर को बख्शेंगे और ना ही उसे बचाने वाली तुम जैसी बेगैरत बीवी को। हम तुम दोनों की जिंदगी सिर्फ बर्बाद नहीं कर देंगे बल्कि उसे जलाकर राख कर देंगे। देखते हैं कौन किसको राख करता है। रानी साहिबा, दुश्मन जब कम अकल का होता है तो दुश्मनी का मजाक कम होता जाता है। तुम्हें क्या लगा था कि अग्रवाल बैठ के यहां पे तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, यहां जहां पे ना कोई पहरा है न ताला है। अग्रवाल नाम के मोहरे पर हमारा सारा खेल टिका हुआ है। तुम्हें क्या लगता है हम उसको यूं खुले में छोड़ देंगे यहां पे? वो क्या है ना कि हम आपके दोस्त हैं, कोई आपको छुए तो हमें अच्छा नहीं लगता। ये जुल्फ आपको छू रही थी। हम आज दुश्मन सही लेकिन पहले तो दोस्त थे ना, उसी दोस्ती के लिहाज से हम आपको बता देते हैं कि अग्रवाल है कहां। अब से ठीक 32 मिनट 3 सेकंड के बाद अग्रवाल की ट्रेन दिल्ली एक्सप्रेस उमेरकोट के पुराने स्टेशन से निकल जाएगी। दिल्ली पहुंचने के बाद वो दुबई के लिए रवाना हो जाएगा। अब अगर इस बिल्ली को उस चूहे को पकड़ना है तो अभी नहीं करना होगा, अभी। हम तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करने वाले इकबाल खान, हम गलती एक बार करते हैं बार बार नहीं। और अग्रवाल को हम नहीं कानून पकड़ेगा। अग्रवाल आमिरकोट छोड़ के दिल्ली जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लीजिए। इस वक्त वो पुराने आमिरकोट स्टेशन पर है। मैडम जब फैक्ट्री आपके पति के नाम पर है तो हम क्यों बेकार में किसी शरीफ इंसान को पकड़ने जाए? वो शरीफ इंसान नहीं है, आप एक बार उन्हें पकड़ कर सख्ती से पूछताछ करेंगे तो सारा सच सामने आ जाएगा कि किस तरह उन्होंने राजा को फंसाया। अब जाइए। मैडम आप MLA हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पुलिस को समझाएं उन्हें उनका काम कैसे करना चाहिए। बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि पुलिस औरत के साथ कितनी बदतमीजी से पेश आती है।
इस वक्त इन्हें आपकी नसीहत की नहीं आपकी हमदर्दी की जरूरत है। देखिए कितनी परेशान लग रही है। इंस्पेक्टर साहब, ये नवाब इकबाल खान इन सब चीजों के पीछे, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। अग्रवाल भी इन्हीं का आदमी है, 40 लोगों की मौत की जिम्मेदार यही आदमी है। मैडम, कल तक तो ये आपके दोस्त थे और आज आप इन्हें ही फंसा रही हैं। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट, इनकी जिंदगी में क्या कुछ हो रहा है आपको पता है? ऐसी हालत में कोई भी पागल हो जाएगा। ये तो अब इसमें इनका थोड़ा दिमाग चल गया तो इनका क्या कसूर है इसमें? इंस्पेक्टर साहब, अब अपना काम कीजिए, ये हमारी दोस्त हैं, हम देख लेंगे। आइए मेरे साथ। हाथ मत लगाना हमें। इंस्पेक्टर साहब, हमारा विश्वास कीजिए कि राजा को कैसी गुनाह की सजा दे रहे हैं जो राजा ने किया ही नहीं है। आप राजा को यहाँ बुलाइए, उसे बयान लीजिए और फिर इनसे पूछिए, सच सबके सामने आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा ये सब इसी का किया धरा है। राजा, इंस्पेक्टर साहब को शबे बरात वाली बात बताओ। तुमने आने में थोड़ी देर कर दी। हम तो अपनी चाल चल चुके, यहां पे भी न पहरा है न ताला है। तुम्हें तो देख के ही समझ जाना चाहिए था कि राजा यहां नहीं हो सकता। जयपुर? पर जब मुकदमा आमेर कोर्ट में हुआ है तो आप लोग मुझे जयपुर कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? हमें ऊपर से ऑर्डर आया था, कल आपकी सेल में 10 लोगों ने घुसने की कोशिश की थी, इसलिए आपकी सुरक्षा के मद्देनजर आपको जयपुर शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी मुझे मेरी रानी मेरे परिवार से दूर नहीं कर सकता। मैडम, आपको तो नवाब साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ऑर्डर्स तो राजा को पटना जेल शिफ्ट करने के आए थे। पर हमने कुछ बड़े नेताओं से बात की, कुछ अफसरों से बात की और पटना के बदले जयपुर भिजवा दिया। आपके और राजा साहब के साथ हमें बहुत हमदर्दी है, हम तो बस इतना ही चाहते हैं कम से कम उनके पास जाके आप दो आंसू तो बहा सके। तुमसे दोहरा रिश्ता है हमारा, दोस्ती का भी और दुश्मनी का भी। कल यहां 10 लोग भिजवाकर राजा की हिफाजत में खतरा डाल दिया, हो गया दुश्मनी का रिश्ता, और पटना की जेल के बदले भिजवा दिया जयपुर, हो गया दोस्ती का रिश्ता। अग्रवाल दिल्ली की ट्रेन में बैठ चुका है, उसकी ट्रेन 15 मिनट में निकल जाएगी और राजा है जयपुर के रास्ते में। मलाई जा रही है जयपुर और चूहा जा रहा है दिल्ली। अब ये बिल्ली किसके पीछे जाएगी? जो भी तय करना है तुम्हें करना है और जल्द, क्योंकि वक्त तुम्हारे पास बहुत कम है। आपको क्या हो गया है? एक तो वैसे ही आपके पति की वजह से पार्टी पर कीचड़ उछल रहा है। सर, हम इस पार्टी के एमएलए, हमारी बात सुनना आपका फर्ज है। फर्ज सिखाने का इतना ही शौक था तो अपने पति को एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज क्यों नहीं सिखाया आपने? I'm sorry, पार्टी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आज सुबह ही पार्टी हेडक्वार्टर से लेटर आया है, जब तक आपके पति के केस की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक आपको पार्टी के एमएलए पद से सस्पेंड किया जाता है। Stop, please. ऑर्डर पास हो चुका है रानी गायत्री अजय सिंह। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग अब तक आमेर कोर्ट से बाहर नहीं निकले हैं, क्या आप बस एक बार मुझे मेरी रानी से नहीं मिला सकते? देखिए, आपकी सुरक्षा का सवाल है, बिना इजाजत ना मैं आपको किसी को मिला सकता हूँ और ना किसी को आपसे मिलने दे सकता हूँ। सॉरी,
गया मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? हमें अपने पति से बात करनी है, हमें एक बार अपने पति से बात करने दीजिए राजा। मुझे किसी से नहीं मिलना है। रानी, जब तुमसे मिलने से मना किया था तब नहीं जानता था कि तुमसे इतना दूर जाने वाला हूँ। मैं तुमसे जुदा होकर नहीं जी सकता रानी। चाहे ये लोग हमें तुमसे दूर करने की कितनी भी कोशिश करें राजा, हम तुम्हें पाने के लिए सारी दुनिया से लड़ेंगे। भीगी भीगी सी है रातें, भीगी भीगी यादें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है। कसाया पल को पे आया, पल में हंसाया, पल में रुलाया, फिर भी ये कैसी कमी है। मुझे मेरी रगों में बहते हुए खून की कसम है रानी, मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं जयपुर जाऊंगा पर रानी से मिले बिना नहीं। जल्दी पुराने आमेरकोट स्टेशन चलो, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। गाड़ी चलाता है उसे ड्राइवर कहते हैं, और आज आपके ड्राइवर हम हैं। रही बात हम यहां क्या कर रहे हैं, तो दोस्त हैं आपके, दोस्ती निभा रहे हैं। जाना चाहेंगे, राजा के पीछे जयपुर हाईवे या अग्रवाल के पीछे रेलवे स्टेशन? अग्रवाल की ट्रेन ठीक 5 मिनट में स्टेशन से बाहर निकल जाएगी। कहो तो स्टेशन ले चलूं। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ए, क्या कर रहे हो तुम? हथकड़ी खोलो मेरी। फिर महल की तरफ मोड़ लूं। अगर गोली चल गई तो हमेशा के लिए सांसें रुक जाएंगी। रोक दो गाड़ी, रोक दो। उतरो, बाहर बाहर निकलो।
राजा रुक जाओ वरना गोली चलानी पड़ेगी। कानून से नहीं भाग सकते तुम। राजा रुक जाओ वरना गोली चलानी पड़ेगी। रानी।